डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में जानेंगे कि लॉग क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अगर लॉग टेबल नहीं दी हुई है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें लॉग टेबल दी हुई है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि लॉग क्या होता है और विदाउट टेबल, अगेन विदाउट टेबल आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैं आपको उसी के लिए बताना चाहूंगा सबसे पहले कि इसका यूज क्यों हुआ या ये कैसे जनरेट हुआ। तो जब हमें शुरुआत में पता चला कि बड़े मल्टीपल 3 और 4 डिजिट के मल्टीपल को मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं था, उसके लिए हमने लॉग टेबल को यूज किया। देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आप बता देंगे 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आप बता देंगे 9। लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन दूंगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो लॉग का काम वही है, लेकिन उसे कैसे यूज करना है उसके लिए पहले हमें लॉग निकालना आना चाहिए और उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉग के अंदर 2 चीजें होती है। लॉग यहां पर होता है बेस, इसको बोलते हैं बेस, और यहां पर होती है वैल्यू जिसके लिए आप निकाल रहे हो, एक्स। ठीक है, हमें ये निकालना होता है। ये एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4 वाई, और इसको हम लिखते हैं वाई। क्या लिखते हैं? वाई। इज दैट क्लियर? तो यहां जब लिखा रहता है बेस, ये बेस कुछ भी हो सकता है, 10, 2, 3, 4। जनरली हम यहां पर 2 केस लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर बेस 10 है, बेस क्या है? 10 है, तो आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब मैं आपके साथ बेस लिख रहा हूं, बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉग बेस 10 ही लिखा जाता है, लॉग का मतलब बेस 10 बाय डिफॉल्ट लेते हैं, और आपको यहां पर 2 लिख दिया है, तो ये वैल्यू होती है 0.3010। क्या होती है? 0.3010। इसका मतलब ये है आपके पास, इसका मतलब साफ है कि हम 10 की पावर अगर यहां पर 0.3010 लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 2। इसका मतलब यह है, अगर हम बात कर रहे हैं log 10 3 और ये वैल्यू आती है 0.4771, तो इसका मतलब है 10 की पावर 0.4771 लगा दिया जाए तो वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ कि log 2 की वैल्यू 0.3010 है। तो जब log इस तरफ जाता है तो वो क्या बन जाता है? पावर। इज दैट क्लियर? तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा मेरे कुछ पॉइंट से क्या होता है, आपने लॉग के बारे में क्या सुना। देखिए ध्यान से, अगर 10 की पावर एक्स वाई आ रहा है और 10 को हम वहां शिफ्ट करेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 10। यानी 10 जब उधर जाता है तो वो लॉग बन जाता है और ये जिसके ऊपर पावर है वो बेस बनती है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? तो यही हमारे पास सोचना है। तो अगर आप मुझे बताएं, लॉग अगर हम यहां पर लिखते हैं 10 पावर 1, तो बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी या नहीं आएगी? तो जब मैं 10 उस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? log 10 बेस 10, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपके पास? 1। कोई डाउट है? नहीं है? तो बस यही हमारे पास है। अगर हम यहां पर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 10 पावर 0, ये वैल्यू कितनी आती है? 1। तो जब हम ये 10 उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? log 1 बेस 10, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी? 0। इज दैट क्लियर? तो आपने ये मेरे साथ आपने थोड़ा सा समझाया कि लॉग का मतलब एग्जैक्ट में होता क्या है। लॉग का मतलब ये है कि ये वैल्यू जो पावर है उसका इनवर्स आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉग। आ रही है बात समझ में? पावर है उसका मतलब क्या होता है? लॉग। इनवर्स उस तरफ जाएगा तो वो लॉग कहलाएगा। तो आप मुझे कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं, की पॉइंट्स आपके पास क्या आ रहे हैं? पहला की पॉइंट आपके पास जो बन के आ रहा है वो ये है कि कोई भी हो 10 की पावर x, मैं यहां लिखना चाहता हूं 10 की पावर 0, क्या 20 की पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ, क्योंकि ये वैल्यू सब क्या होगी, किसी की पावर 0 लगाएंगे तो क्या होगा? 1। या 100 की पावर 0 या 1 की पावर 0, ये वैल्यू क्या होगी? 1 होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल ये वहां जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x। ये उस तरफ जाएगा, x आएगा। आपने सही पकड़ा। अब ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1 आएगी। और जब आप किसी की पावर 0 है, इसका मतलब ये वहां जाएगा
तो लॉग वन, यहां बेस कोई भी हो, एनी वैल्यू, ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो। या सुनो, हमने बड़े प्यार से दो चीजें बेस बनाए, स्टैंडर्ड बेस, स्टैंडर्ड बेस हमारे लिए कौन सा है? 10। एंड एक और स्टैंडर्ड बेस है और वो है ई। समझ रहे हैं आप? तो जब आपके पास लॉग बेस 10 हो तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, हम इसको बेसिकली बिना डिफॉल्ट के ही हम इसको क्या लिख देते हैं? लॉग लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉग बेस ई है तो अब हम इसको लॉग नहीं लिखेंगे बिना डिफॉल्ट, अब हम इसको क्या लिखेंगे? ln। तो जब भी सिंपल लॉग लिखा है तो इसका मतलब बेस 10 होता है, और ln लिखा है इसका मतलब बेस ई होता है। ठीक है, तो यहां ई की वैल्यू होती क्या है? ये ई क्या है? क्या ये 10 से बड़ा है? नहीं, ये 10 से छोटा होता है। इसकी वैल्यू होती है 2.71828। तो ई की वैल्यू क्या हो गई? 2.71। बस इतना आप याद रख लीजिए, राउंड फिगर में 2.71। इज दैट क्लियर? अगर आपको ज्यादा डेप्थ में चाहिए तो 828 लिख लीजिए। तो आपको e की वैल्यू यह है। एक और चीज, यहां बेस 10 था, यहां बेस e है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10 बड़ा है। तो जब 10 बड़ा है तो उससे रिजल्टेंट वैल्यू जो भी आएगी वो आपके पास क्या होगी? छोटी। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक लिया जा रहा है लॉग बिना कुछ लिखे एक्स, और एक लिखा जा रहा है लॉग बिना कुछ लिखे एक्स, लेकिन यहां पर ln लिखा जा रहा है बिना कुछ लिखे, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, ln x या log x? आप सबका आंसर सही है, यहां पर ln x की वैल्यू बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको x लाना है 10 की पावर लगा के, और यहां x लाना है 2.7 की पावर लगा के, तो 2.7 पे जो पावर लगेगी वो बड़ी निकलेगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो ये वैल्यू बड़ी होगी। और मैं आपको वही शेयर करने जा रहा हूं इन दोनों में रिलेशंस क्या है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास कि बेटा ln x की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.303 log x। यानी आपको अगर एक फॉर्मेट में वैल्यू मालूम है तो दूसरे फॉर्मेट में आप आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, ln x की वैल्यू क्या होती है? 2.303 log 10 बेस है x। तो इस तरह से बोला जाता है log 10x का मतलब 10 बेस है, log ex मतलब बेस e है। तो ये तो हुआ व्हाट इज बेस, log के मतलब, log का मतलब क्या होता है। अब ये log निकालते कैसे हैं, ये हमारा अगला आर्टिकल है, आप तब तक इसे लिखें। हमने अभी यार एक बहुत अच्छा रूल पढ़ा है कि log बेस 10 और log बेस e में कैसे रिलेशन बनाते हैं, तो वो रिलेशन हमारे लिए फर्स्ट रिलेशन इंपॉर्टेंट हो गया। और हम यही बोल सकते हैं कि log बेस e x का वैल्यू 2.303 log 10 x के बराबर होगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट जो हमारे पास काम आ रहा है, जो कि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बेस e हो या कोई भी हो, मैंने मान लिया डिफॉल्ट x, और यहां मैंने लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस जगह में इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, दोनों को अलग कर सकता हूं, मल्टीप्लाई है तो मैं अलग कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई है मैं अलग कर सकता हूं, और डिवाइड है x डिवाइडेड बाय वाई, तो मैं यहां पर log x माइनस log y। ध्यान से सुनिएगा, यहां बेस 10 है तो रिमाइंडर रहेगा हमेशा, यहां पर सेम चीज रहेगी, रिमेन सेम 10 10 10 10, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आपने ये चीज समझ में आ गया। लेकिन अगर कभी ऐसा है log x प्लस y अपॉन z लिखा हुआ है, और आप बच्चे नादान हैं, आपने log x प्लस log y माइनस log z कर दिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, आप ये कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, आपके लिए ये चीज गलत है। तो सही क्या है, आप सिर्फ यहां तक लिख सकते हो log x प्लस वाई, आप ब्रैकेट यहां नहीं खोल सकते, लेकिन ये कर सकते हो log z।
और बेस वही रखेंगे जो यहां पर है. अगर मैंने बेस नहीं दिया है लॉग का तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या रहेगा, 10. यस और नो? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है लॉग के साथ. तो कभी भी लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन जेड को आप ये नहीं लिख सकते. क्या ये लिख सकते हैं? हाँ. इज दैट क्लियर? तो एक तरह से अगर आपसे ये कभी ये कहा जाए लॉग एक्स वाई ए और बी इस तरह से, तो आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आप लिख सकते हैं. दोनों वैल्यू एक साथ माइनस में अलग आ सकती है और आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आप बहुत प्यार से लिख सकते हैं ऐसे वैल्यू. अगर आपको लॉग 2, 3, 8, 4, 1, 7 की वैल्यू निकालनी है कभी फ्यूचर में, तो आप इसको ऐसे लिखिए मेरी तरह से, लॉग 2.38 इंटू 10^1, 2, 3, 4, 5. क्या ऐसा लिख सकते हैं आप? बोलो यस और नो. हाँ, लिख सकते हैं. और फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे लॉग 2.38 और फिर प्लस लॉग 10^5. समझ में आ रहा है? तो ये आप कर सकते हैं. यस, इस तरह से आप आगे वैल्यूज निकाल सकते हैं. और मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूं, लॉग बेस 10^10 अगर एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स होती है. तो ये अगर आपके पास एक और आपके पास क्या कहते हैं टूल है आपके पास, तो इस टूल का यूज करो. तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, लॉग 10^5, बेस भी 10 है, बाय डिफॉल्ट 10 ही होता है. तो आप इस जगह क्या कर सकते हैं, अगर यहां ऐसा है तो इसको सीधा आप 5 लिखेंगे, 5.5 प्लस लॉग 2.80 की वैल्यू जो भी है. लेकिन अभी आपको ज्यादा नहीं आता इसलिए आप अभी तक यही फॉर्मेट में रखेंगे, और जब मैं आपको 2.38 की वैल्यू निकालना सिखा दूंगा तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? तो ये आपके लिए एक बहुत आसान रहा कि आप क्या करेंगे. अब मुझे अगले पॉइंट में आपको समझाना है कि लॉग 2.38 की वैल्यू कैसे निकालनी है. अगर आपने वो सीख लिया तो आप इसको भी बहुत आसानी से बना लेंगे. तो फिलहाल अभी इसको लिखें यहां तक. तो दोस्तों ये आपको लॉग लेना आ गया. अब हमारा काम सिर्फ क्या है कि इस तरह के लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना. समझना, ये वैल्यू जनरली जिस फॉर्मेट में आएगी वो तो मैं आपको बता देता हूं. ये आएगी हमेशा क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 से छोटी वैल्यू 1 से छोटी होगी. तो ये वैल्यू क्या आएगी, कोई ना कोई पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, पॉइंट वाई, और ये आपके पास आ रही है 5. तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगी, 5.y बनेगी. ये मैं आपको पहले बता देता हूं, यानी ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी. इतना दिमाग में बैठा के चलो. जब आपके पास ये चीज समझ में आ गई तो बस y वैल्यू निकालनी है, और वो मैं निकालना आपको अगले पॉइंट में सिखा दूंगा. तो क्या आपको समझ में आ गया, ये क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, लॉग के बारे में कुछ और पॉइंट जो आपके पास आने चाहिए दिमाग में, लॉग x, तीन चीजें. पहला, x नेगेटिव है तो क्या होगा, आप खुद बताइए. नॉट डिफाइंड, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा हूं, आप सोचिए कि किसी की भी पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी ले लो आप, क्या उसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं. इसका मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने जैसे 10 की पावर -10 भी लगा दिया तो ये वैल्यू क्या होगी, 0.00000001, बहुत ज्यादा जीरो लग गए. क्या ये नेगेटिव है? नहीं. तो यानी कभी भी आप इसको लॉग नेगेटिव तो लिख ही नहीं सकते. आपको 10^-10 लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव नहीं लिख सकते. इसका मतलब एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. यानी ये अगर कभी लिखा है लॉग -10 तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड. दूसरा पॉइंट, अगर एक्स 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो मैं आपको फिर बता देता हूं, यहां लॉग एक्स की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी. क्लियर है? यानी कुछ भी वैल्यू हो, एक्स की वैल्यू 0 से 1 के लिए लॉग एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी. अगर आपने जैसे लॉग 2 निकाला तो ये वैल्यू हमेशा जैसे 0.3010 होती है तो ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 2 की वैल्यू उससे छोटी आएगी. तो ये आपके पास बहुत अच्छा हो गया. और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, x यहां बीच में आएगा
जीरो से बड़ा और एक्स से छोटा, और अगर एक्स यहां पर आपके पास, यहां ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक्स की वैल्यू है वो टेन से बड़ी हो, और अगर लॉग एक्स की वैल्यू टेन से बड़ी है, जैसे आपने लॉग टेन ही ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वन। यानी आपके पास फिर मिनिमम लॉग एक्स की वैल्यू जो आएगी वो एक से बड़ी ही आएगी। तो जब भी एक्स टेन से बड़ा है तो ये वैल्यू भी आपको वन से बड़ी दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? और एक्स अगर टेन से छोटा है तो लॉग एक्स की वैल्यू एक से छोटी दिखाई देगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसी को मैं और अच्छे कंसेप्ट से करता हूँ। एक और पॉइंट जो आपको यहाँ बताना है जरूरी है वो है, तो कर्व को एक बार और देखते हैं हम, बहुत प्यारा कर्व है। देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं एक्स एक्सेस, क्या रख रहे हैं हम, एक्स एक्सेस, और यहाँ हम रख रहे हैं लॉग एक्स, यानी वाई एक्सेस हमारे लिए हो जाएगा लॉग एक्स। तो ये हमारे पास एक्स हो गया और ये हमारे पास वाई हो गया, और वाई की वैल्यू लॉग एक्स है। तो ये जो कर्व आपका घूमेगा वो कुछ इस तरह का घूमेगा, समझिएगा। एक बार और इसको बनाते हैं इस तरह से। जब आपके पास x की वैल्यू यहां पर इस एक्सिस पे, x की वैल्यू क्या है इस जगह वन, तो log x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, log x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जीरो। तो x कोऑर्डिनेट वन है, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, जीरो। और यहां पर नीचे की तरफ आपके पास x की वैल्यू एक से छोटी है और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहां पर, नेगेटिव। और इस तरफ x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन वन है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y मतलब log x, और ये आएगा आपके पास ग्रेटर देन वन। इज दैट क्लियर? और दूसरा, अगर ये कोई पॉइंट ले लिया आपने जहां x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी यहां पर, 1। तो आपका ओवरऑल ये कर्व इस तरह से उठेगा। इज दैट क्लियर? एक बार और समझाना है। तो ये कर्व भी आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे x आप बढ़ा रहे हो log x की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी है, तो इन सबको लिखें। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर x दे दिया जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो चलो आज हम इसी पे वर्क करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू ऑफ लॉग कैलकुलेट करना टफ हो जाता है, तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि बिना किसी लॉग टेबल की सहायता के हम लॉग को कैसे पता लगाएंगे बहुत जल्दी। इसके लिए आपको मेरे कुछ अप्रोचेस को समझना होगा। फर्स्ट, अब स्टेप फर्स्ट में क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्टेप फर्स्ट में आप कुछ बेसिक लॉग्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे, फिर स्टेप टू में। तो ये बेसिक लॉग कौन से, देखिए ध्यान से, जैसे लॉग जीरो, लॉग जीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन है, लॉग वन की वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लॉग वन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, लॉग टू 0.3010, log 3 0.4771, log 4 point, अब log 4 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब log 2 है, log 2 को क्या लिख सकते हैं, log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 plus log 2, is that clear? क्योंकि 4 की जगह आप 2 multiply by 2 और 2 multiply by 2 को log 2 plus 2, log 2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.6020, हमने दो बार ऐड कर लिया, ये हमारे पास log 4, log 5, log 5 की वैल्यू आपके पास आती है 0.69, अप्रोक्सीमेट 0.7 ले सकते हैं आप, log 6 की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 6 इक्वल टू क्या फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी log 2 प्लस log 3 लिख सकते हो आप, तो log 2 प्लस log 3 लिखने के बाद आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0.7781, log 7 आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो 0.84 आपको याद रखना पड़ेगा, log 8 नहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि log 8 की वैल्यू आपके पास होगी log 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आने से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 log 2, यानी कि 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा, 90
3 0, ये आपके पास log 8 की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आएगा log 9, log 9 भी आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि log 9 का मतलब होता है 3 पावर 2, यानी 2 log 3, तो 2 log 3 का मतलब हो गया आपको इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू क्या आएगी 2 4 5 9.0। आपने इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, और log 10 की वैल्यू हम सब जानते ही हैं। तो ये हमारे पास एक अप्रोच है जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं इन लॉग्स के वैल्यूज के बीच में। अब इस पे प्रैक्टिस हम करते हैं, किस तरह से हमारे को स्टेप 2 की मदद लेनी पड़ेगी। स्टेप 2, अगर हमें कोई इजी लॉग दिया हुआ है, देखिए हमें दिया जा रहा है लॉग, सपोज दे दिया 4.578, हमें इस तरह की वैल्यूज दी गई है लॉग 4.578, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे इस मेथड में विदाउट लॉग टेबल। तो क्या आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमें लॉग 4.6 दिया हुआ है, 5.7 को हमने 0.6 ले लिया, या अप्रोक्सीमेट हम आगे भी कर सकते हैं। हमें क्या मालूम है, क्या हमें लॉग 4 की वैल्यू मालूम है? हाँ। क्या हमें लॉग 5 की वैल्यू मालूम है? हाँ। तो जब लॉग 4.6 है तो वो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू वेरी करेगा। अब वो किसके पास में होगा, आप खुद देखिए, आपके पास 0.6 है, अगर एग्जैक्ट मिड होता तो आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रख देते, इन दोनों के बीच की, लेकिन अब थोड़ा इसके ज़्यादा पास है तो मेरे लिए ये वैल्यू जो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू की बात कर रहा हूँ, और अप्रॉक्सीमेट ये जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी 4 से बड़ी वाली वैल्यू और 5 से छोटी वैल्यू, तो मैं इसके लिए ले सकता हूँ 0.6, ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा एवरेज 0.6, लेकिन मैं इसको 9 के क्लोज लेने की कोशिश करूंगा और 0 से थोड़ा दूर की तरफ, जबकि एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू क्या आती है 0.6, 9 का आधा होता था 4 5, तो मैं इसको राउंड फिगर में क्या लिखूंगा 0.65 के पास लेने की कोशिश करूंगा। इज दैट क्लियर? इससे मेरा आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन क्लोज तो आ जाएगा और मेरा काम चल जाएगा। अगर किसी ने कहा मुझे लॉग 7.2 की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा बहुत आसान है, क्या आप लॉग 7 की वैल्यू जानते हैं? हाँ। कितना जानते हैं? 0.84, थोड़ा सा बड़ा रखो, 0.84 से बड़ा रख दो, और 90 से तो बहुत छोटा रखना है, तो आपके पास क्या आएगा 0.84 की जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 0.85 या 86 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है? या तो यहाँ पर 5 होगा या 6 होगा, इससे ज़्यादा वेरी नहीं आएगा मेरी इस अप्रोच से। अगर आपसे कोई कहता है लॉग मुझे ये निकालना है 5.4 या मेरे को दिया जा रहा है 5.8, अब देखिए तो 5.8 है तो ये 5 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा, तो 6 के पास होगा, तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 0.77 की जगह 0.75 लिख दूंगा, मेरा काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तो मेरे पास हो जाएगा 0.75 या 76, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि 8 है, काफ़ी क्लोज है 6 के। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। अब आता है थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है आपको, आपको ये दिया गया है log 4.8215, तो बहुत बड़ा लग रहा है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो log 4.821 मल्टीप्लाई बाय 10^1, 2, 3, 4, 4 लिख सकते हो? यस। अब इन दोनों को तोड़ दो, log 4.8 की वैल्यू क्या होगी, log 4.8 की वैल्यू होगी 4.8, यानी 5 से कम और 4 से ज़्यादा, तो ये आपके पास आएगी 0.67 लगभग, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 0.67 प्लस log 10^4, 10^4 अब आपके पास क्या हो जाएगा 4, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.67, तो ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोच है, ज़्यादा ज़्यादा मेरा आंसर पॉइंट कैलकुलेटर से करता हूँ तो 4.66 आएगा या 4.68 आएगा, 0.01 की एरर, बहुत कम है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इससे लॉग लेना सीख चुके हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो मैं आपको लॉग टेबल के साथ भी सिखाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के बाद। इज दैट क्लियर? तो आप इन सबको नोट डाउन करिए, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे हम। तो देखिए हम बात करते हैं एक और लॉग, अगर हमसे कोई कह देता है 0.0045 इसकी वैल्यू निकालनी है, बड़ा टफ है, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे लॉग
मैं इसको लिखूंगा 4.5 इंटू 10 पावर 1, 2, 3 यानी -3। बहुत आसानी से लिख सकता हूं। या सुनो, 4.5 की वैल्यू क्या होगी? 4 और 5 के बीच की कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू आ रही है 0.6, यही आ रही है, तो ये वैल्यू किसके बीच में आएगी? इन दोनों के बीच में कौन सी आएगी? 0.645, ये आ गया। और ये आपके पास आएगा प्लस 10 पावर -3 के लॉग की वैल्यू कितनी होगी? -3। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी? यानी आप ये देख लीजिए कि 4.5 और जितने जीरो लगाने, 1, 2, 3 10 पावर -3 ले लेंगे इसको ये बनाने में। तो आप हमेशा ऐसे ही बनाएं, कोई भी डिजिट दी हो ना उसको एक्स डॉट वाई बनाए, यानी यहां 4.5 बनाए, 45 पॉइंट समथिंग मत लें। मेरी अप्रोच इसी तरह से वर्क करती है। तो जब आप ये करेंगे तो -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5। ये आपके पास आएगा 3.2, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आएगी माइनस में, क्योंकि -3 बड़ा है। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी भी वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है आपके पास, और ये एक और एग्जाम्पल, अगर आपको इस तरह का कोई दिया हुआ है लॉग, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिया जा रहा है 0.002186, बहुत इजी है, आप इसको क्या करेंगे, लॉग क्या लिखेंगे यहां पर, 2.1 इंटू 10 पावर -3। 2.1, 2 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू कितनी थी? 0.3010। तो लॉग 2.1 की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए 2.1 मत लिखो, आप 2.2 लिख लो राउंड फिगर में, लेकिन 2.2 की वैल्यू क्या होगी? जब लॉग 2 की वैल्यू 0.30 है, तो ये ज्यादा ज्यादा कितना होगा आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू 0.3010 की जगह 3.3 लिख लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं लिखे पड़ेगा, 3.4 लिख लो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और -3 रहेगा प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2.67 आपके पास ये वैल्यू बचेगी, और ये भी माइनस में। तो क्या आपको लॉग लेना आ गया? हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इस लॉग को लेना सीखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, लॉग निकाली है, एक और एग्जाम्पल, लॉग क्या ले रहे हैं आपको, 2.0056 आपको निकालना है। अब इसको और लिख लेते हैं, 22.0056। तो पहले आप समझिए कि आपको दिया क्या है, आपको लॉग 22 ही दे दिया एक तरह से। अब ये इसका निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, लॉग 22.0। तो 22 को अब आपको देखना है, तो आप क्या लिखेंगे, इस जगह पर 22 है, तो इसको लिखिए 2.2 इंटू 10 पावर 1। और 2.2 का लॉग कैसे निकालेंगे, लगभग 2 से बड़ा होगा और 3 से तो बहुत छोटा होगा, तो ये आपके पास हो गया पॉइंट, कितना हो जाएगा लॉग 2.2, तो ये आ जाएगा 0.34 या 3.5, और ये आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.34। बहुत इजी आप लॉग निकाल सकते हैं, मेरी इस अप्रोच से निकाल सकते हैं। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यही हमें बताना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगी, जबकि इस तरह का अगर जीरो पॉइंट के पहले कोई इंटीजर नहीं है तो भूल जाओ, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, वैल्यू नेगेटिव में आएगी। एक और एग्जाम्पल आप लिखिए, जितने एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल और हो गया, अगर मैं आपको लिख रहा हूं 0.6785, आप क्या करो, आप इसको लिख दो राउंड फिगर में, लॉग क्या लिखोगे आप, 6.7। मैंने हमेशा बोला है एक्स डॉट वाई की फॉर्मेट में चेंज करो, एक्स डॉट वाई की फॉर्मेट में, इंटू 10 पावर -1। बताओ वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? नेगेटिव, बिल्कुल सही है। तो ये 6.7, तो 6 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.7781, और 7 की वैल्यू, तो इस वैल्यू को देख के लग रहा है ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, 82 या 81 के समथिंग होगा, क्योंकि इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। तो मेरे पास, मैंने मान लिया ये 82 के समथिंग आ रहा है या 81 के पास समथिंग आएगा, तो ये 2 और यहाँ पर आएगा आपके पास -1, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 0.18, क्लियर है, और वो भी माइनस का। तो इस तरह से आप, मेरी अप्रोच से आप किसी भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो आपने समझ लिया लॉग कैसे निकालते हैं, लिखिए इसको। हम साथ में एक और चीज लिखते हैं, कंसेप्ट ऑफ एंटी लॉग।
एंटी लॉग। ये एंटी लॉग का मतलब है क्या, पहले तो वो समझते हैं कि हम एंटी लॉग है क्या, उसके बाद ही हम एंटी लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये आपके पास लॉग एक्स है इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है? तो आप एंटी लॉग का मतलब होता है कि इस लॉग को उस तरफ ले जाओ, उसे क्या बोलते हैं एंटी लॉग। यानी कुल मिला के जब ये लॉग उस तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे आप समझिएगा, तो इसको हम बोलेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग ये वहां जाएगा, एंटी लॉग जीरो की वैल्यू होगी वन। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली लॉग उस तरफ गया है एंटी लॉग, तो ये लॉग की वैल्यू क्या है टेन। तो एक तरह से ये कुछ और नहीं, ये टेन पावर वन भी है, यानी कि एंटी लॉग जो भी लिखा हो उसको पावर में लगा दो, एंटी लॉग 0.3010 की वैल्यू क्या होगी टू, सीधा टू, यानी 10^0.3010। तो एंटी लॉग जिसका भी लिखा जाए वो हम इस तरह से करते हैं, एंटी लॉग ये एंटी लॉग उस तरफ गया तो 0.4771 की वैल्यू क्या होगी थ्री। एंटी का मतलब क्या हुआ, एंटी लॉग का मतलब एक तरह से 10 पावर, सीधा एंटी का मतलब 10 पावर। तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 पावर, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 3.4771। इस तरह से आप एंटी लॉग किसी का भी देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी वैल्यू है एंटी लॉग, अब मेरे को बताते जाइए अगला एंटी लॉग आपके लिए कौन सा रहेगा, 0.477 के बाद क्या आएगा 0.6020, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 4 एंटी लॉग। फिर इसके बाद क्या आया था 0.69, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 5 एंटी लॉग। पॉइंट कौन सा आएगा 0.7781, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास 6। फिर उसके बाद एंटी लॉग 0.84, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 7। फिर एंटी लॉग 0.9030, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 8। फिर आपके पास एंटी लॉग 0.95, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 9। और एंटी लॉग 1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 10। ये आपने अभी तक मेरे से समझा, लेकिन अगर एंटी लॉग हमें ऐसे वैल्यूज मिल जाती हैं जो एबनॉर्मल टाइप हैं, जनरल नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एग्जांपल के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल हमारे पास लिखा है कि आपको एंटी लॉग आपको निकालना है 2.3148 का, क्या निकलेगा आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो जिसका भी एंटी लॉग निकालना है ये आंसर होगा आपके पास, इसका सॉल्यूशन आप जो भी वैल्यू दी हुई है उसको 10 की पावर लिख दीजिए सीधा 3148, बोलो लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं सीधा पावर लगा दो। अब पावर रूल लगा लीजिए, पावर के रूल क्या है, आप 10^2 मल्टीप्लाई बाय 10^0.303148 लिख दो, 0.33148। क्या आप इसकी वैल्यू जानते हो, ये तो 100 हो ही गया, क्या 0.310 की 3148 की वैल्यू जानते हो, नहीं, आप 0.30 की वैल्यू जानते हो, और वो कितने आती है 2। तो ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी क्या होगी, बड़ी होगी। तो राउंड फिगर में अगर आप करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.1, तो ये हो जाएगा इंटू 100 10 पावर, तो ये क्या हो जाएगा 210 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी वैल्यू, किसके इक्वल हो जाएगी 210। इस तरह से एंटी लॉग निकालना आपके लिए बहुत आसान है। एक और एग्जांपल लिखते हैं एंटी लॉग, अगर आपको एंटी लॉग दे दिया कोई भी, जैसे 5.6821 दे दिया, तो आप इसको क्या लिखेंगे 10^5.6821, और फिर उसको आप क्या लिखेंगे 10^5 अलग लिख दीजिए, और फिर क्या लिखिए आप इंटू 10^0.6821 लिख दीजिए। तो ये तो 10^5 है, 0.68 किसका आ रहा था, 0.68 आ रहा 0.69 के बहुत क्लोज है, यानी 5, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10^5। बहुत आसान है। क्या एंटी लॉग नेगेटिव के भी निकाले जा सकते हैं, हाँ। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अगर आपको एंटी लॉग निकालना है और निकालना है -2.7, आप क्या निकालेंगे 10^-2.7 लिख दीजिए, और इसको लिखिए आप 10^-3+0.3,
क्यों नहीं लिख सकते हो, आप बड़ा वाला माइनस इंटीजर सेलेक्ट करो और फिर प्लस लिख दो, लिख सकते हो। अब ये वैल्यू क्या होगी, 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0.3, 10 पावर 0.3 कितना होगा 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 × 10 पावर -3, यानी वैल्यू आ जाएगी 0.002। इस तरह से एंटी लॉग निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। कुछ और एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, जैसे अगर आपको कभी एग्जाम्पल ऐसा दिया जा रहा है कि आप एंटी लॉग कौन सा निकालना चाहते हैं, कौन सी वैल्यू निकालना चाहते हैं, 0.0028, तो दोस्तों ये क्या हो सकता है, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एंटी लॉग 0 ही आ गया, अप्रोक्सीमेट 0.0028 तो 0 ही है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 10 पावर 0 ही लिख दो भाई, है क्या एक तरह से 0.0028 को आप क्या लिखोगे राउंड फिगर में, 10 पावर 0, बहुत कम वैल्यू है, और 10 पावर 0 क्या होगा 1। जब तक एंटी लॉक नेगेटिव में नहीं है आपकी वैल्यू 1 से कम नहीं आएगी एंटी लॉक की, समझ में आ रहा है, और अगर नेगेटिव है एंटी लॉक जैसे यहां पर है तब भी आपकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, आपकी आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव में, इज दैट क्लियर। तो आपके पास कभी भी एंटी लॉक की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, इज दैट क्लियर, 0 से बड़ी होगी, बस इतना ध्यान रखना, एंटी लॉक ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आपको निकालना कितना आसान है, एक और एग्जांपल एंटी लॉग, अगर आपको यहां पर दे रखा है 2.50028, अरे आसान है, 10 पावर 2.5 ही लिख दीजिए आप इसको, और 10 पावर 2.5 है तो ये हो गया आपके पास 10 पावर 2, और 10 पावर 0.5, 10 पावर 0.5, 0.5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लगभग 3 को, तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट लगभग 1 या 2, क्योंकि 0.4773 है तो 0.5 तो 3 से ज्यादा ही होगा, हो सकता है मेरा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 3.1 ना हो, ये हो, तो ये आ जाएगा आपका 320 आंसर, हो सकता है एग्जैक्ट आंसर 316 या 15 हो, लेकिन इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको एंटी लॉग लॉग दोनों निकालना मैंने आपको सिखा दिया।